महिलाओं के हक और उनकी प्राथमिकता को लेकर बातें अक्सर ही हर मंच पर की जाती हैं, लेकिन उसकी असल में हकीकत क्या है ये तो किसी से छिपी नहीं है। भले ही आज हर क्षेत्र में महिलाएं पहुंच गई हों, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं बराबरी में मात खा ही जाती हैं। और बात अगर राजनीति की हो तो महिलाओं के अधिकारों का नजारा एकदम अलग ही है। भारत में एक महिला के जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उसका कामकाज अक्सर कोई पुरुष ही देखता मिलता है। ग्राम प्रधान बनने के बाद महिला का पति, भाई या फिर कोई अन्य पुरुष ही अक्सर प्रधानी का कामकाज देखते मिल जाता है। ये तो हुई महिलाओं के प्रधान पद की बात। वहीं अगर महिला विधायकों की बात की जाए तो विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही हाल है। महिला विधायक विधानसभा में उपस्थित तो रहती हैं, लेकिन उनको बोलने का और अपनी बात रखने का मौका कम ही मिल पाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही मंजर रहता है। महिलाओं को अपनी बात रखने का मौका कम ही मिलता है, जिसको लेकर महिला विधायकों ने कई बार विधान अध्यक्ष से शिकायत भी की है। अब इन्हीं शिकायतों को लेकर अब महिलाओं को इस बार एक तोहफा दे डाला है, और वो तोहफा है आगामी मानसून सत्र में महिला सदस्यों के लिए एक दिन आरक्षित रखना। वहीं इस फैसले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि महिलाएं विधायकों को सदन में बोलने का उचित अवसर नहीं मिलने की शिकायतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा सत्र में इस बार पूरा एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा, यानी विधानसभा सत्र में इस दिन केवल महिला सदस्यों को बोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। महिला उत्थान, सशक्तिकरण, साक्षरता, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे विषयों पर महिला सदस्य अपनी और जनता की बात रख सकेंगी। विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होना है। इस शुरुआत का उद्देश्य आधी आबादी की आवाज को सदन के माध्यम से उठाना है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में 47 महिला विधायक जीत कर आई हैं। वहीं इस फैसले की सभी महिला विधायक सराहना कर रही हैं। फिर चाहे वे सत्ता पक्ष की हों या फिर विपक्ष की, सभी महिलाएं इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।